तो चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान केएल राहुल की अर्धशतकीय साझेदारी की बदौलत 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 159 रन बनाए। लखनऊ के लिए केएल राहुल ने 56 गेंद में 74 रन बनाए। पंजाब के लिए तेज गेंदबाज कागिसो रबाड़ा ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम को केएल राहुल और काइल मेयर्स ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 53 रन की साझेदारी हुई। मेयर्स 29 रन बनाकर आउट हुए। दीपक हुड्डा 2 रन ही बना सके। कृणाल ने 17 गेंद में 18 रन बनाए। निकोलस पूरन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मार्कस टॉनिश ने 11 गेंदों में 115 रन की अगला पारी खेली। कप्तान केएल राहुल 56 गेंद में 8 चौके और 1 छक्के भी मदद से 74 रन की पारी खेली, जो कि उनका इस सीजन का सर्वोच्च स्कोर है। गौतम 1 रन बनाकर आउट हुए। 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज अथर्व ताइडे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। तीसरे ओवर में प्रभसिमरन 4 रन बनाकर आउट हो गए। पावरप्ले की आखिरी गेंद पर मैथ्यू शॉर्ट 22 गेंद में 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 1 छक्का लगाया। सिकंदर रजा एक छोर पर डटे रहे और 34 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। कप्तान सैम करन 6 रन बनाकर आउट हुए। जितेश शर्मा भी सिर्फ 2 रन ही बना सके। पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को आईपीएल 2023 के 21वें मुकाबले में 2 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स की टीम अंक तालिका में 4th स्थान पर पहुंच गई है।